तो ये है वर्ल्ड फेमस अलास्कन हाईवे। पिछले 200 किलोमीटर से मैं कंटिन्यूस चला रहा था, तो ना थोड़ा सा सीन हो गया था। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मेरे को लोकेशन चेंज करनी पड़ी। तो ये है वर्ल्ड फेमस अलास्कन हाईवे, जहाँ से मैं अपनी ड्राइव स्टार्ट करूँगा। ये है माइल ज़ीरो, और यहाँ से कम लगा लो 3 से 4 हज़ार किलोमीटर मुझे कंटिन्यूस ड्राइव करनी है। और रास्ते में ना बहुत सारी लोकेशन ऐसी आएंगी जो पूरी जंगल वाली लोकेशन होंगी, तो मेरी कोशिश रहेगी आपको जितनी भी फेमस लोकेशन आती है सभी लोकेशन दिखाने की। तो यहाँ पे मैंने कल इंडिया का अपना फ्लैग लगाया था, तो देखते हैं सही सलामत है या नहीं है, क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश आई थी। तो यहाँ लगा हुआ है अपना इंडिया का फ्लैग, ये देखो। तो अब जब भी कोई फोटो लेगा इसकी तो जरूर अपना इंडिया का फ्लैग यहाँ पे दिखाई देगा, तो मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा था और ज़्यादातर सभी कंट्रियों के नाम थे और उनके फ्लैग हैं हर जगह पे, सिर्फ एक इंडिया का फ्लैग नहीं था, तो मैंने इंडिया का फ्लैग भी यहाँ पे लगा दिया है। पता नहीं वहाँ पे क्या हो गया है कि पुलिस वाला आया है और उस लेडी को रोक रहा है, पता नहीं वो क्या सेल कर रही है, क्या कर रही है। और ये जो अलास्का हाईवे है ना, ये वर्ल्ड वॉर टू के दौरान बनाया गया था। अमेरिका चाहता था कि अलास्का तक उनका आना जाना जो है बाय रोड इजीली हो सके। ये रोड की ना मैंने रिसर्च की है कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ना, ये वहाँ तक पक्का रोड नहीं बना हुआ है, वहाँ पे ना ये डर्ट रोड बन जाएगा, तो वहाँ पे चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो देखते हैं कि कैसा रोड होगा, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। और ये जो अलास्का हाईवे है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपना सीनिक व्यू के लिए, तो नज़ारे बड़े ज़बरदस्त आने वाले हैं। और इस पे ना बड़े अलग तरीके के जो एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं। चांस होगा कि जब हम लोग अलास्का में जाएंगे, होप्स हो के हमें पोलर बेयर देखने को मिल जाए, तो फिंगर क्रॉस है। सो अभी मैं यहाँ रुक गया था ट्रैश फेंकने के लिए, तो यहाँ पे ट्रैश कैन था, तो मेरे को यहाँ पे एक साइन भी दिखा। मैं ऐसे चलो ये भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे है अलास्का हाईवे ब्रिटिश कोलंबिया किलोमीटर 133 किलोमीटर 168। और यहाँ देखो किसी बंदे ने चढ़ के ना, पता नहीं क्या टेडी बियर है, क्या है, गोट है, कुछ भी ऐसे, तो ये वहाँ पे चढ़ा दिया। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि बंदा चढ़ा कैसे है यहाँ से। इसकी मेरी कोशिश है कि मैं कंटिन्यूस ड्राइव करके और मैं पहुँच जाऊँ यूकॉन, तो देखते हैं कि मैं कितनी लंबी ड्राइव कर पाता हूँ अगर सब कुछ सही रहा तो। तो अभी यहाँ पे मैं रुक गया हूँ एक रेस्ट एरिया में। पिछले 200 किलोमीटर से मैं कंटिन्यूस चला रहा था, तो मैं थोड़ी सी बॉडी को भी रेस्ट दिया जाए, स्ट्रेच कर लेते हैं। और ये यहाँ का है ना बड़ा ज़बरदस्त भी लग रहा था मेरे को व्यू, तो मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हैं, क्योंकि मैं ना इस तरफ से आ रहा था और ये ना जैसे पहाड़ के बिल्कुल ऊपर था, और ये जो बिल्कुल बीच में है जहाँ पे मैं अभी रुका हूँ ना रेस्ट एरिया में, और बिल्कुल ये नीचे की तरफ जाना है। पीछे लिखा हुआ था अपनी ब्रेक को चेक कर लो, क्योंकि ये रोड बहुत नीचे की तरफ जा रहा है, तो मुझे लग रहा है उस तरफ में वैली वगैरह होगी। ड्रोन उड़ा के देखते हैं। तो यहाँ पर है अपना ड्रोन। मेरी ड्रोन की है ना टांग टूट गई थी कुछ दिन पहले, बट अभी भी उड़ रहा है। तो ये वाला जो देख रहे हो यहाँ पे क्रैक आ गया था, तो उसके बावजूद भी उड़ रहा है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, जब तक उड़ेगा ठीक है, नहीं तो मैं नया ड्रोन लेने की सोच रहा था।
भी इस वैन वालों को मैंने हॉर्न मार था इसलिए क्योंकि मेरे से उनकी बात हुई थी जब मैं ड्रोन उड़ा रहा था ना, तो वो कह रहे थे आपका ड्रोन बहुत फास्ट उड़ रहा है। मैंने बोला जिस तरीके से मेरा ड्रोन उड़ता है ना वैसे ही मेरी वैन भी उड़ती है, मैं बहुत तेज चलाता हूँ। तो जब वो वहाँ से निकल रहे थे ना तो कह रहे थे कि अगर आप हमें पकड़ सकता है तो पकड़ लिया, अब हम लोग बहुत तेज चलाने वाले हैं। और इन लोगों को मैंने सुबह सुबह देखा था जब मैं वहाँ पे लिखा होता ना वर्ल्ड फेमस हाईवे जहाँ से मैंने ड्राइव स्टार्ट की थी वहाँ पे लोग फोटो खिंचवा रहे थे। तो अब हो सकता है कि यहाँ पे रेस लगे और वो मेरे से आगे निकल जाएं। अब मुझे ना भूख लगी है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं खाना बनाऊँ या फिर जो सिटी आने वाली है वहाँ देखते हैं किस तरीके का खाना पीना मिलेगा, तो वहाँ पे खाते हैं। तो अभी काफ़ी देर से ना मोबाइल के नेटवर्क नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि जो अगर नेक्स्ट सिटी आएगी ना अगर वहाँ पे मोबाइल के नेटवर्क मिलते हैं तो जो मेरे को वीडियो आज ही अपलोड करनी है एटलीस्ट मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँ। तो मैं सोचाऊँ कि जो नेक्स्ट सिटी आ रही है ना वहीं पर ही मैं स्टे करूँगा। वहाँ देखो रिवर पे लोग यहाँ कैंपिंग कर रहे हैं। Then your destination will be on the right. तो अभी आ गया हूँ मैं एक छोटे से टाउन में। अभी मैं यहाँ रुका था और यहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है ये विजिटर सेंटर से, और मैंने कुछ यहाँ पर स्टिकर्स खरीदे हैं वो दिखा देता हूँ। तो ये जो वाइट वाला है ना ये तो रेफ्रिजरेटर मैग्नेट है 4 Nelson BC का, और ये जो रेड वाला देख रहे हो ये अलास्का हाईवे का। तो इसको लगा देते हैं यहाँ पर, दिस इज़ परफेक्ट आई थिंक। और ये जो देख रहे हो ना छोटा सा ये है स्लैब सीढ़ी से मैंने लिया था, अगर आप लोगों ने मेरी स्लैब सीढ़ी की वीडियो देखी है तो ऐसे करके मैं भरता जाऊंगा जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं। तो ये कुछ था $4 के करीब का, और ये ऑलमोस्ट टैक्स लगा के ऑलमोस्ट पेडी $5 था कैनेडियन। तो अभी मैं आ गया हूं खाना खाने के लिए टिम हॉर्टन में। यहां पर है चिकन सैंडविच और यहां पर है डोनट। और आज रात के लिए मैं यहाँ पे पार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क भी आ रहा है और टिम हॉर्टन के पास है ना इनका वाईफाई भी है, तो मैं यहाँ पे वीडियो आराम से मैं अपलोड कर पाऊँगा। तो अभी देख लो रात के 11:30 हुए और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शाम का टाइम है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे। रात को ना थोड़ा सा सीन हो गया था, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मेरे को लोकेशन चेंज करनी पड़ी, पहले मैं वहाँ पेट्रोल पंप पे सो रहा था और वो रहा टिम हॉर्टन जहाँ खाना खाया था। तो उस पेट्रोल पंप पे है ना वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ट्रक आया और उसने ना इतना ज़्यादा साउंड कर रहा था कि मेरे को नींद ही नहीं आई, मतलब रात के 4 बज गए। फिर मैं यार मूव करना पड़ेगा और मैं इतना नींद में था कहीं ड्राइव करके नहीं जाना चाहता था। तो यहाँ मैंने देखा 2 RV खड़े हुए थे तो मैं यहाँ आ गया पार्क करने के लिए। मैंने यहाँ पे पार्क किया और मैं सो गया, और अभी सुबह उठ के देखा ना रात को इतनी नींद में था तो मैंने देखा लिखा हुआ है नो ओवरनाइट कैंपिंग, और मैं शहर ये तो सीन हो गया है। और यहाँ पे फायर हाइड्रेंट भी था और ये येलो लाइन भी मेरे को रात को नहीं दिखी थी, तो सुबह हो सकता था कि वो मेरी गाड़ी उठा ले जाएँ। अगर आप अमेरिका और कनाडा में आ रहे हो ना और कभी भी आप लोग देखो कि रोड की जो पटरी है ना उस पर इस तरीके की येलो अगर कोई भी आपको लाइन दिखेगी जो कि ये है, अभी तो पूरी मिट्टी हुई है बट उसके बजाय दिख रही है येलो, तो उस पर आप पार्क नहीं कर सकते। अगर आपने पार्क किया तो आपको फ़ाइन लग जाएगा, आपकी जो भी कार वगैरह होगी उसको टो कर लेंगे। तो मैं शहर में लकी हूँ, अभी सुबह उठ के देखा, मैं रात को नींद में तो यहाँ आ गया, थोड़ी गलती हो गई थी। बट ये जो एरिया है ना बहुत ही ज़्यादा शांत है सिवाय उधर पेट्रोल पंप के, क्योंकि वही एक रोड है जो अलास्का हाईवे से हम लोग जा रहे हैं। तो चलो अब रेडी होते हैं और यहाँ से निकलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो आज है ना मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं हुई है, अभी मेरे को लग रहा है कि मैं ना कम से कम 4-5 घंटे आराम से सो सकता हूँ। बट मैं सोचा हूँ कि आज है ना मैं ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं करूँगा, 5-6 घंटे की ड्राइव करूँगा और फिर कहीं कैंपिंग की जगह देख के सो जाऊँगा। बट आज मुझे जाना है हॉट स्प्रिंग, तो वहाँ से है अलास्कन हाईवे, तो इसी अलास्कन हाईवे पे यहाँ से मैं शायद 4.5-5 घंटे ड्राइव करूँगा तो आ जाएगा हॉट स्प्रिंग। और फिर मैं सोचा रात को है ना आज वहाँ पे रुकता हूँ हॉट स्प्रिंग में, शायद वहाँ रुकने का भी है तो मैं देखूँगा अगर वहाँ पे जगह मिल जाएगी, नहीं तो हॉट स्प्रिंग में ना भी है स्विमिंग करने का, वहाँ पे $5 लगते हैं तो वो मैं करूँगा। बट वो आप लोग को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में देखने को, क्योंकि इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है ना तो यार शेयर जरूर करो, मेरी कोशिश है कि मैं डेली वीडियोज़ आप लोग के लिए लाऊँ। एक्सेप्ट के कभी कभार होता है इस तरीके की लोकेशन होती है जहाँ पे नेटवर्क वगैरह नहीं है, नहीं आ पाएगी, बट मेरी कोशिश है कि डेली वीडियोस आप लोगों के लिए लाने की। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना था, मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक करना मत भूलो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। फिर जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ बिलीव इन योर सेल्फ एंड मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। आई लव यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।